अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बस हम लोग जा रहे थे बाहर, मार्केट की तरफ जा रहे हैं, और मैं लास्ट पर निकली हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटा पहले चले गए हैं, तो बस अभी मैं भी जा रही हूँ। और मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगी, सीढ़ियों से जाऊंगी, इसलिए मैं इस तरफ से जा रही हूँ, सीढ़ियों की तरफ से। फुल लिफ्ट से आएंगे बेटा और हस्बैंड। तो बस थोड़ा सा ही दूर है यहाँ से, जिस मार्केट में जाना है, तो चलते हैं उधर। चलते हुए ही हम आए थे, थोड़ी वॉक हो गई थी, क्योंकि वॉक ना बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए ना, तो वो स्पेशल वॉक के लिए तो निकलने नहीं होता। तो हमने सोचा कि बस ऐसे ही ना चलते चलते चले जाएंगे। इसी तरह मार्केट भी करीब है, और थोड़ी सी जो है हम भी ना फ्रेश हो जाएंगे। अभी बेटा खेल रहा है माशाल्लाह, तो अभी मैं जा रही हूँ। कुछ मैंने लेनी है मेकअप की चीज़ें, वो ऊपर वाले सेक्शन से मिलेंगी। तो ये मैं ऊपर से थोड़ा एक नज़र में देख लिया कि खेल रहा है बेटा, और अभी बस ये मार्केट में आ गई हूँ ऊपर, जहाँ से वो मेकअप की चीज़ें देखनी थी। और ये ड्रेस नाइस था, बट मैंने नहीं लेना था ऐसा कि मेरे पास हैं, तो फिर मैं बस जो चीज़ लेनी थी उस तरफ जा रही हूँ। तो ये जो शॉप है इसी मार्केट के अंदर है, ये ओवीएस शॉप है इनकी, तो यहाँ से मैं ले लूँगी अपनी मेकअप
की थोड़ी सी चीज़ें, मूज़ फाउंडेशन लेना था और फिक्सिंग पाउडर जो होता है मेकअप फिक्सिंग पाउडर वो लेना था, और एक बनाना पाउडर होता है। तो इस शॉप से मैं इसलिए भी चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ इस तरह की मेकअप की, कि उनमें इतने ज़्यादा हैवी जो मैं इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं होते हार्मफुल। तो ये टीनेजर्स जो होते हैं उनके लिए मेकअप इन्होंने बनाया हुआ होता है ना, तो ये हार्मफुल नहीं होता इतना, तो इसलिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और मैं इतना ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती, बस मुझे शौक रहता हल्का फुल्का कुछ कर लेती हूँ कभी कभार ना, तो इसलिए अच्छा लगता है थोड़ा मेकअप भी किया होना। तो लड़कियों के लिए ही ये चीज़ें बनी हैं, तो सब सिस्टर किया करें, अच्छा लगता है मेकअप ना, तो मुझे खुद बहुत पसंद है मेकअप। तो बस ये दो तीन चीज़ें लेनी थी वो ले ली, और अभी बस बेटा भी जो है खेल कर थक गया था और ये भी ऊपर आ गया था। अयान ने क्या लिया है? अयान ने क्या लिया है? अयान आ जाओ आ जाओ। ये अयान ने लिया है वो। अयान क्यों क्यों मुझे दो मम्मा को दो क्या लिया? मम्मा को दो, मम्मा को एक दे दो, एक मम्मा को दे दो, एक मम्मा को दे दो। ओके ओके आज आज माशाल्लाह से बेटा आज काफ़ी हैप्पी हो गया है। और वो यहाँ से थोड़ी सी ही चीज़ें ली थी, बस वो पे करेंगे बिल अभी हस्बैंड, और फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो ये बैनेट है जो यहाँ से मैं ही अपनी कुछ चीज़ें लेती हूँ जब कभी आऊँ, तो वैसे ग्रोसरी हस्बैंड जब लेकर आए कुछ यहाँ से ले लेते हैं, कुछ इप्रल से ले लेते हैं, बस मिक्स मिक्स करके ना हर जगह से लेते रहते हैं हम, कुछ इधर से कुछ उधर से इस तरह से। बाद में खाना, अभी बिल पे कर लें फिर उसके बाद। तो बस ग्रोसरी का बिल पे कर दिया था हस्बैंड ने, और अभी बस हम लोग ना गाड़ी का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग तो वॉक करते करते आए थे, और हमें हमारा इरादा नहीं था कि हम कुछ ले लेंगे यहाँ से, लेकिन जब बाहर आएँ तो फिर कुछ ना हम मार्केट से बंदा ले ही लेता है, और ख़ास करके जब मैं आऊँ तो मैं तो फिर ले ही लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो बस फिर काफ़ी चीज़ें हो गई थी हमारी, तो फिर हमने कॉल कर दी थी मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को, फिर ये उनकी गाड़ी है और अब हम घर जा रहे हैं। तो बस अब काफ़ी लॉक हो गई है वीडियो ये वाली, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या लेकर आई थी। इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस थोड़ी सी हैं तो वो ली थी और बस। और आजकल व्लॉगिंग इतनी ज़्यादा नहीं मैं कर पाती, बिकॉज़ मेरा बेटा है जो, उसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है मेरा,
जब बच्चे स्कूल गोइंग हो जाते हैं ना, छोटे बच्चे प्री स्कूलिंग भी स्टार्ट हो जाए तो तब भी ना उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाना पड़ती हैं खुद से ना, क्योंकि स्कूल भी सिखाते हैं लेकिन घर से भी हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है उनकी। जल्दी जल्दी बातें करें, बातें कराना पड़ती हैं, सब कुछ एवरीथिंग जो है ना, हम लोग सोचते हैं स्कूल वाले कराएंगे, लेकिन नहीं। मेरे ख्याल से, मैंने जहाँ तक जज किया है, हमें खुद सब कुछ बच्चों को ना सिखाना पड़ता है हर चीज़। तो यहाँ पर ट्रेंड बच्चे लेते हैं कि हर चीज़ घर से ही सीख के आए बच्चे ना। तो मेरी भी कोशिश है कि मैं आजकल इसको हर चीज़ ना सिखाऊँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।